हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। सीतामढ़ी रीगा चीनी मिल के दस्तावेजों को खंगाला गया, चीनी मिल से निकाले गए 600 कर्मियों पर राज्य सरकार ने दिखाई गंभीरता। सहरसा जिले में हत्या का दौर है लगातार जारी, अज्ञात अपराधियों ने की सरेआम 20 वर्षीय युवक की हत्या। और अररिया में विदेशी शराब से भरे एक ट्रक को किया गया जब्त, 400 कार्टून शराब किए गए बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल से तकरीबन 3 माह पहले निकाले गए 600 कर्मियों के मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। मामले को लेकर श्रम आयुक्त अरुण कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल पहुंची, जहां चीनी मिल के दस्तावेजों को खंगाला गया और कर्मियों की बकाया राशि का पूरा ब्यौरा लिया गया। मामले को लेकर रीगा चीनी मिल के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और उनके लेखा बही में भी काफी गड़बड़ी सामने आई है। टीम लगातार चीनी मिल के अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी स्थिति का आकलन कर रही है। रीगा शुगर मिल के द्वारा कंपनी के क्लोजर के लिए आवेदन श्रम विभाग को दिया गया है, तो उसी के संदर्भ में जाँच के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। इनको रीगा शुगर फैक्ट्री के द्वारा लेआउट कर दिया गया था, टेम्पररी बंद कर दिया गया था 11 जुलाई तक। फिर बीच में हम लोग वार्ता किए थे तो हुआ खुलेगा, लेकिन फिर उसको एक्सटेंशन करके 11 सितंबर तक लेकर गया। तो उसमें लेबर यहाँ यूनियन के तरफ से या यहाँ वर्करों के तरफ से आवेदन पड़ा था कि बहुत से भुगतान है, किसानों का भी था। तो आज लेबर डिपार्टमेंट के तरफ से कमीशन लेबर का यहाँ पे जाँच आया है। अचानक मई माह में 11 तारीख को हम लोग ड्यूटी पर आए, प्रबंधन के द्वारा वहाँ पर बहुत बड़ा ताला लटका दिया गया और सिक्योरिटी अफसर सबको खड़ा कर दिया गया। हमारे सारे मजदूर के हाथ में खाना था, उस दिन से लगभग 1 महीना तक हम लोग ड्यूटी के लिए तरसते रह गए और डेली आते थे और गेट पर खड़ा होते थे जो ड्यूटी मिलेगा, लेकिन ड्यूटी नहीं मिला। सहरसा जिले में हत्या का दौर बदस्तूर जारी है। बता दें कि विगत 15 अगस्त से लेकर आज तक 4 हत्याएं हो चुकी है। वहीं अफसरेआम अज्ञात अपराधियों ने 20 वर्षीय युवक आनंद रॉय को सदर थाना क्षेत्र के सीताराम चौक के पास सीने में गोली मारकर जख्मी कर दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब जख्मी युवक 20 सड़क पर छटपटाता रहा, लेकिन उसे कोई अस्पताल तक पहुंचाना मुनासिब नहीं समझा। अंततः कुछ देर के बाद कुछ लोगों के द्वारा आनंद फानन में निजी नर्सिंग होम में उसे भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सहरसा सदन थाना अंतर्गत एक युवक को गोली लगी है, जो कि यहां एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए लाया गया था, उनकी मृत्यु हो गई है गोली लगी। अररिया RSOP थाना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए टोल प्लाजा के पास विदेशी शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। वही टीम ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी देते हुए अररिया SDPO ने बताया कि पटना से आई उत्पाद विभाग की टीम और RSOP पुलिस ने टोल प्लाजा के पास शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया, जिसमें मक्के के बोरे से 400 कार्टून शराब बरामद किए गए। स्पेशल टीम एक्साइज के लिए पटना से DSP आए हुए हैं लोकल पुलिस के साथ, और एक्साइज के जो यहाँ अररिया की टीम है, ये लोग गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गया था, टोल प्लाजा के पास में लगाया गया था इंटरसेप्शन, उसमें एक ट्रक और 2 व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हुए और अभी काउंटिंग किया जा रहा है। जिला पार्षद सुधीर कुमार यादव ने 185 फतुहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उम्मीदवार के रूप में आगे आकर अपनी दावेदारी पेश की है। इसके साथ ही क्षेत्र में जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने क्षेत्र के जनसमस्याओं को अपना मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि शहर से गांव तक रोड और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त होगी, साथ ही बुजुर्गों के टहलने के लिए पार्क और छात्राओं के लिए महाविद्यालय बनवाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जनता मौका देती है तो वह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे। चुनावी मुद्दा है, मैं बिहार का मैं राजनीति नहीं करता हूं, मैं अभी फातमा विधानसभा का मैं राजनीति करता हूं, मैं छोटे कार्यकर्ता हूं, जिला पार्षद हूं। हम अपना फातमा विधानसभा के जो भी हमारा क्षेत्रीय मुद्दा होगा हम उसके लिए करेंगे, जैसे रोड, बिजली, पटवन, उसके बाद छात्र छात्राओं के लिए जो है यहां पर बढ़िया महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, यहां पर खेल का मैदान, इस तरह का हमारा जो है बूढ़ा बुजुर्ग के लिए क्लब, हम क्षेत्रीय मुद्दा पर हम काम करेंगे।
स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को संपन्न कराने के लिए सभी कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व चुनाव में दोनों विधानसभा क्षेत्र में 508 मतदान केंद्र थे, पर कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अब कुल मतदान केंद्रों की संख्या 736 हो गई है। जमुई के चंद्रदीप थाना क्षेत्र से आढ़ा दूध पहुंचाने जा रहे तीन लोगों को बेला गांव के असामाजिक तत्वों ने बुरी तरह से मारकर जख्मी कर दिया। बता दें कि तीनों युवक बाइक से सवार होकर आढ़ा गांव जा रहे थे, वहीं रास्ते में बेला गांव के समीप एक महिला को बाइक से धक्का लग गया। इसी बात को लेकर पहले तो कहासुनी हुई और मामला इतना बढ़ गया कि असामाजिक तत्व के लोग इकट्ठा होकर लाठी डंडे और रॉड से तीनों युवकों पर हमला कर दिया, जिससे तीनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। तो रास्ते पे मतलब लाठी लेके अपना बेला है वहाँ पे लोग रहे हुए थे और वहाँ पे उसने मतलब पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कुछ नहीं देखा और चार्ज किया। शायद वहाँ पे किसी और ने एक्सीडेंट किया होगा, हम मतलब उस चीज से वाकिफ नहीं थे। अररिया में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। घटना बैरगाछी ओपी क्षेत्र के रामपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 8 अंतर्गत बुद्धेश्वरी गांव की है। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, वहीं इस मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर SDPO पुष्कर कुमार सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन की। आया और जाके दबिया और चाकू को लेके मारपीट स्टार्ट कर दिया। उसी बीच इसको दबिया लेके सर में मार दिया, वही उसी जगह बेहोश पड़ गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके आए तो यहाँ डॉक्टर साहब बोले कि नेगेटिव है। बस में चचेरे भाई थे दोनों और टट्टी देने को लेके घर का रास्ता का विवाद था, उड़ के उसी दोनों पक्ष में मारपीट हुआ है। तो एक पक्ष ने दबिया से एक व्यक्ति को मारा जिसको सर के पास में दबिया से गहरा जख्म हुआ और वो विकलांग भी था, तौसीफ पिता सिद्दीक नाम था। और उसके बाद उसको गहरा जख्म, बेहोश हो गया, उसको लेके हॉस्पिटल यहाँ आया, उसकी मृत्यु हो गई है। मोतिहारी पुलिस ने दर्जनों लूट हत्या जैसे अपराध की घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को धर दबोचा है। वही पुलिस ने इन सबके पास से 3 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और 1 किलो नशीले पदार्थ भी जब्त किया है। मामले को लेकर मोतिहारी SP नवीन चंद्र झा ने पूरी जानकारी दी है। कल दिनांक 20 तारीख को रामगढ़वा थाना क्षेत्र के गांव धनहड़ देहुली से 5 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है। इनके नाम हैं राजन तिवारी, निरंजन पटेल, विकास कुमार, गुडलक कुशवाहा गोलू और जितेंद्र महतो। ये सभी छोड़ा दानो भरपुर और रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 8 गोलियां और 1 किलोग्राम चरस बरामद किया गया है। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना अंतर्गत सिमरिया ओहारी टोला की रहने वाली मोनू की शादी करीब 2.5 साल पूर्व कोढ़ा थाना क्षेत्र के मिथुन मिर्धा के साथ हुई थी। तभी से मिथुन अपनी पत्नी के साथ दहेज को लेकर मारपीट किया करता था। वहीं मिथुन ने 6 महीने पूर्व एक युवती से शादी रचा ली, जबकि पहली पत्नी से एक बच्चा भी है। वहीं अब मोनू अपने पति मिथुन से गुजारा भत्ता की मांग कर रही है और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। वो गाड़ी चला रहा था पिकअप निरंजन भगत के घर पे, गाड़ी चलाते थे 6 महीना के बाद वो मतलब दोनों पति पत्नी में झगड़ा होते रहता था। जब से शादी हुआ दहेज के लिए मांग के लिए झगड़ा करता था, रोज झगड़ा करते करते वो अपना जिसके घर पे गाड़ी चलाता था वो लड़की लेकर के निकल गया यहाँ से। उसके बाद 5 महीना के बाद आया पंजाब से घूर के, वो मेरा घर पे रहने लगा। खाने पीने की दिक्कत हुआ, अपना मायके में आकर रहे कुछ दिन। उसके बाद अभी जाने के लिए चाहते हैं तो बोलता है यहाँ आएगी तो गैस में जला के जान मार देंगे तुमको। आपको रखना चाहता है? रखना नहीं चाहता है। आप क्या चाहती हैं? हम सैतीन में नहीं रहने के लिए चाहते हैं। सौतन में नहीं रहना चाहते हैं? तो फिर क्या क्या चाहती क्या आप? मेरा मेंटेनेंस चाहिए, हम चाहे कहीं पे भी रहेंगे। तो अभी तो अपना पास में रखे हैं, उसको लड़का हुआ उसको जानकारी दिए तो बोलता है हमारा लड़का नहीं है, जो भी तू कर सकता है। तो नहीं दिया कुछ मेंटेन, नहीं देने के बाद भी अभी आया है वो बाहर से, अभी बाहर से जो आया है तो फिर भी वो नहीं कबूल ले रहा है, नहीं दे रहा है उसको कोई मेंटेन, कोई ऐसा भरोसा नहीं दे रहा है। तो उसको साथ जो है हमारा बेटी बोलता है सौतन के तर में हम नहीं रहेंगे,
जब बोलता है तो वो बोलता है जो करना है करिए, जितना केस मुकदमा करना है, पुलिस दरोगा बुलाना है बुलाइए, हमारे पास नहीं है, हम नहीं रख सकते हैं। मामला को लेकर के दो दिन पहले इनके घर वाले गए थे हमारे पास, तो हमने इनसे पूछा तो ये हमको बताएं कि हमने लिखित आवेदन कोड़ा प्रशासन को दे रखी है जिस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है, तो इस पर विचार विमर्श भी हुआ, तो उनका कहना है कि कार्रवाई तो किया ही जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण फंसा हुआ था, यानी वो कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, इनको आवेदन फिर से देना होगा। कहते हैं कि आवेदन नहीं है। इनके जरिए हमको मालूम चला कि ये फ़ोन की थी, तो ये बताएं कि उनका कहना है कि फिर से आप आवेदन देंगे तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। मामला है सर, मेरा ये मेरा बहन है, मामा की लड़की है, ये 3 साल पहले शादी हुई है, ये बाद में हम लोग तो पता चला कि चलो 6 महीना से उसको दहेज वहेज के चक्कर में झगड़ा लड़ाई करते रहती थी, बाथरूम में घुसा कर मारती थी, हम लोग को आके बोला तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग गए 2-4 आदमी गए उसको समझाए उमझाए, लेकिन वो फिर भी नहीं बुझने के लिए तैयार होगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद दूसरा लड़की लेकर भाग गई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।